बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आमलेट। बहुत ही सादा सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये रेसिपी कैसे बनेगी, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये हमारे पास तीन अंडे हमने लिए हुए हैं, तीन से चार मिर्चें हमने ब्रीक काट लिया सब्ज़, एक छोटे साइज़ का हमारे पास टमाटर था, इस तरह आपने भी ब्रीक काट लेना, हमने ब्रीक कटा हुआ छोटे साइज़ का प्याज था ब्रीक हमने काट लिया। एक चम्मच हमने लाल मिर्च ली हुई है, आधा चम्मच हमारे पास नमक है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये हमारे पास घी है, ये भी आप अपने हिसाब से डाल लेंगे, कितना घी चाहिए कितना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने एक बर्तन ले लिया और इसमें आपने अंडे तोड़ लेने हैं। तीनों अंडे हमने तोड़ लिए इसमें, इस तरह इसको अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे हम। इस तरह अंडे फेंट के अब हम इसमें मसाले वगैरह डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, प्याज, टमाटर, मिर्च, लाल मिर्च, नमक, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आग लग चुकी है, अब हम फ्राई पैन रख देंगे ऊपर। आग ज़्यादा नहीं लगानी, हल्की आग हो, और इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी गर्म होगा तो घी को पूरे फ्राई पैन के अंदर जो है ना मिक्स करना हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी गर्म हो गया, इस तरह हम घी को पूरे फ्राई पैन के अंदर मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हम अंडा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक साइड नीचे से होगी, अब इसको हम उलटाएंगे। उलटाना बहुत मुश्किल है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमलेट हमारा रेडी हो गया, ये इसका हमने पलटा लिया था पहली साइड। इस तरह हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे नीचे से, ये पक गया, अब हम इसको नीचे उतार देंगे, प्लेट में निकालेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमलेट हम प्लेट में डालेंगे। हमारा आमलेट रेडी हो गया।